चलिए आपका हेलो भी बहुत इन्वेस्टर, धन्यवाद। नमस्ते। कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत बढ़िया होंगे फ्रेंड। हाँ चलिए जी, आज का वीडियो का एनालिसिस स्टार्ट चलिए करते हैं फ्रेंड। हाँ जी, आप बहुत सभी का बढ़िया, अपना यूट्यूब चैनल प्रोडक्ट बिल्कुल शेयर चैनल में बिल्कुल बिल्कुल। हार्दिक स्वागत करता हूं फ्रेंड। तो चलिए आपका आज का टॉपिक वीडियो का है एनालिसिस स्टार्ट करते हैं जी, फ्रेंड। आज का बिल्कुल टॉपिक है फ्रेंड एडीबी मैरिको लिमिटेड, सेक्टर जो से कि है, एडिबल एफएमसीजी सेक्टर से है फ्रेंड। किस तरह एक मोमेंटम दिन का दिखा चार्ट रहा है, पैटर्न देख लीजिए फ्रेंड, किस तरह यहाँ पे मोमेंटम दिखा रहा है एक दिन की चार्ट एक दिन की पैटर्न। चार्ट पैटर्न में यहाँ पे यहाँ बुलिश पर देख लीजिए इंगल्फिंग फ्रेंड, पैटर्न एक दिन की चार्ट पैटर्न बुलिश में यहाँ पे इंगल्फिंग बुलिश पैटर्न इंगल्फिंग था, पैटर्न बन रहा है। अभी पावर कब बुलिश चालू हो इंगल्फिंग जाएगा, पैटर्न का नेक्स्ट डे जैसा मार्केट पावर कब ओपन चालू होगा होगा, फ्रेंड? बुलिश नेक्स्ट ट्रेंड के डे, साथ नेक्स्ट मार्केट डे जैसा ओपन मार्केट होगा। ओपन होगा ना, बुलिश ट्रेंड के साथ ये मार्केट ओपन होगा किसने फ्रेंड। बनाया था फ्रेंड, हाई बनाया था ये ये कितना बनाया था फ्रेंड? हाई बनाया था छह सौ ये इक्यानवे का हाई बनाया था, 900, सॉरी इसको छः सौ भी इकानवे का क्रॉस हाई कर बनाया था सकते ना, हैं, छह सौ इक्यानवे का जो हाई इसको बनाया है भी इसको भी क्रॉस कर सकता तोड़ है फ्रेंड। सकते हैं। 691 का जो स्टॉक हाई बनाया ना, स्टॉक इसको भी स्टिक एक तोड़ दिन सकता पहले ही है। और कंफर्मेशन यहाँ दे पर दिया देख है कि लीजिए, स्टॉक मार्केट स्टिक्स एक एक दिन दिन पहले पहले ही ही ट्रेड कंफर्मेशन आगे दे दिया है मार्केट कि मार्केट में इसको तेजी, भी बुलिश के ट्रेंड आने बुलिश वाला है। इंगल्फिंग पैटर्न के साथ ये तो पता हमें चला है बुलिश चार्ट में, लेकिन ये इंगल्फिंग इंगल्फिंग पैटर्न पैटर्न के को साथ पता चला बता दे है कि चार्ट मार्केट का में, ट्रेंड लेकिन यहाँ ये से एक चेंज दिन हो रहा पहले है। हमें बता दे कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ से चलिए चेंज होने इसका वाला है। हम टेक्निकल चार्ट एनालिसिस देखते हैं, चलिए किस तरह से इसका फॉर्म हम बना रहा है टेक्निकल चार्ट एनालिसिस कि देखते हैं मार्केट फ्रेंड। वाजिब में वहाँ बुलिश पर ट्रेंड हम आने कंफर्मेशन वाला है लेंगे कि कि नहीं। मार्केट में वाजिब चलिए में पहले बुलिश ट्रेंड फंडामेंटल स्टार्ट आने करते वाला हैं, है कि नहीं आने वाला है। चलिए मैंने फंडामेंटल फंडामेंटल कौन सा स्टार्ट कर देखते दिया हैं, फ्रेंड। फंडामेंटल यहाँ पर मार्केट देख में लीजिए फ्रेंड, कंपनी का पी है फ्रेंड 58.92 का, मार्केट ठीक है, कंपनी का पी है फ्रेंड 58.92 का, सेक्टर ठीक पी है 58.92 का पी है, मतलब और मार्केट सेक्टर ओवरवैल्यूड पी हो चुका है, 30.83, सेक्टर मतलब मार्केट ओवरवैल्यूड हो चुका ओवरवैल्यूड है हो चुका है ये फ्रेंड। पर्टिकुलर स्टॉक, एफएमसीजी सेक्टर ओवरवैल्यूड हो चुका प्राइस है टू फ्रेंड। बुक वैल्यू ये बेस पे पर्टिकुलर 22 का है, स्टॉक्स डिविडेंड यील्ड वन पी, पॉइंट प्राइस फोर्टी टू वन बुक परसेंट वैल्यू 22 का मार्केट है, डिविडेंड यील्ड मार्केट 1.41% का, आरओई बावन वीक हाई 38.65% का बनाया है, मेंटेन मार्केट करती का है फ्रेंड। फॉर्म्यूला 52 वीक क्या हाई है, बनाया चार्ट है क्या है, 691 का, और 52 वीक लो बनाया इसके है रिटर्न चार देख सौ लीजिए, छियासी रिटर्न का का क्या क्या है, रिटर्न वाइज इसका रिटर्न देख क्या लीजिए फ्रेंड, है, रिटर्न का क्या क्या है? रिटर्न वाइज 20 करेंट में परसेंट देख का लीजिए, रिटर्न, 20% नौ का रिटर्न परसेंट का है, रिटर्न, और एक एक मंथ का साल रिटर्न का देख लीजिए फ्रेंड, 9% का रिटर्न, पंद्रह एक दशमलव महीने तिहत्तर का 9%, परसेंट और एक साल का पूरी पंद्रह कंपनी दशमलव का तिहत्तर रिटर्न, परसेंट का मतलब ये एक साल आपके में बैंक पंद्रह से दशमलव डबल रिटर्न तिहत्तर दिया फ्रेंड, मतलब स्टॉक में ये दस आपके और बैंक पंद्रह से परसेंट डबल रिटर्न दिया देता फ्रेंड है, एक साल के अंदर। सोलह बैंक परसेंट तो दे आपको रहा है, 7% देता है ये, लेकिन पंद्रह और सोलह तीन साल परसेंट में के लगभग तीन रिटर्न साल दिया में फ्रेंड, 6% का रिटर्न, और 3 साल में देख लीजिए फ्रेंड, और 3 साल पांच में साल इक्कीस का रिटर्न परसेंट का रिटर्न, सतहत्तर दशमलव और पचहत्तर 5 साल परसेंट का का रिटर्न, रिटर्न सतहत्तर 77 रिटर्न दशमलव यहाँ पे दिया पचहत्तर फ्रेंड परसेंट का पांच रिटर्न, सालों में। जबरदस्त रिटर्न है फ्रेंड यहाँ पर चलिए इसका 5 सालों रेवेन्यू देख में। लेते हैं फ्रेंड, रेवेन्यू क्या क्या बता रहा चलिए इसका रेवेन्यू है, देख लेते हैं फ्रेंड, एडिबल ऑयल रेवेन्यू हेयर क्या ऑयल क्या बता पर्सनल रहा है। केयर अदर, एडिबल ऑयल, हेयर एडिबल ऑयल, ऑयल पर्सनल कितना रेवेन्यू केयर, जनरेट अदर। करता है फ्रेंड, एडिबल पचास ऑयल से कुछ कितना रेवेन्यू जनरेट करता है रिवेन्यू से फ्रेंड? इक्कीस, 50% एडिबल रेवेन्यू सोलह, जनरेट करते हैं, हेयर अदर ऑयल से चार, 21, पर्सनल केयर से मार्केट 16 कैप है और फ्रेंड अदर इस से सेक्टर 11। की, स्टॉक्स का मार्केट कैप कैप है है फ्रेंड दो इस सौ सेक्टर, अट्ठावन करोड़ का, इस मिड कैप स्टॉक्स सेक्टर का है, 87,258 चलिए करोड़ का देखते हैं मिड फिर कैप सेक्टर से है फाइनेंशियल फ्रेंड। क्या बोल रहा है, चलिए इसका फाइनेंशियल देख फाइनेंशियल लेते हैं में फ्रेंड, फाइनेंशियल क्या बोल रहा यहाँ है। डाउन देखने को मिला फ्रेंड, फाइनेंशियल में देख लीजिए यहाँ पहले डाउन देखने रेवेन्यू को मिला कितना था, फ्रेंड, पंचानवे देख सौ लीजिए बारह करोड़, पहले रिवेन्यू उसके कितना बाद बढ़ था? कर हुआ संतानवे पंचानवे सौ सौ चौबीस बारह करोड़, करोड़ का, उसके बाद लेकिन बढ़ कर इस हुआ क्वार्टर में संतानवे सौ रेवेन्यू चौंसठ छः करोड़ सौ का, डाउन हुआ फ्रेंड, लेकिन छः सौ इस तिरपन क्वार्टर करोड़, में रेट डाउन हाँ हुआ लेकिन फ्रेंड, छियानवे प्रॉफिट सौ ग्रोथ में तिरपन अच्छी करोड़ बढ़ोतरी का। हुआ है फ्रेंड, प्रॉफिट हाँ, ग्रोथ लेकिन प्रॉफिट बारह ग्रोथ सौ में अच्छा बढ़ोतरी हुआ है सत्रह फ्रेंड, उसमें प्रॉफिट बढ़ ग्रोथ देख के लीजिए, कितना बारह हुआ, सौ तेरह पच्चीस सौ करोड़ अस्सी था, करोड़, उसमें बढ़ के कितना चौबीस में हुआ? कितना तेरह हुआ, सौ दो इक्यासी करोड़ का। करोड़ का, अब 24 में डेट कितना हुआ? कंपनी चौदह ने सौ अपने इक्यासी पास से करोड़ का कर्जा कम कर दिया, डेट कंपनी ने अपने सेल्स पास से देख कर्जा लीजिए, कम कर दिया सेल्स फ्रेंड। कितना किया है, बाईस सौ सेल्स अठहत्तर देख करोड़ का लीजिए फ्रेंड, सेल्स किया, सेल्स कितना प्रॉफिट किया? 2,278 चार सौ करोड़ का बाईस सेल्स करोड़ किया, का, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट प्रॉफिट 422 318% करोड़ का, अठारह सॉरी नेट करोड़ प्रॉफिट का, 318% चलिए इवेंट्स 18 देखते हैं फ्रेंड, करोड़ का। इवेंट्स में कुछ है चलिए क्या, इवेंट वो देखते हैं फ्रेंड, 6 मार्च को इवेंट दिया था में कुछ फ्रेंड, है क्या? साढ़े 6 छः सौ मार्च को छः दिया रुपये था फ्रेंड, 6 साढ़े 6 रुपये पर शेयर चलिए डिविडेंड। अभी इसी को हम स्क्रीनर डॉट इन पर समझते हैं चलिए अब फ्रेंड, इसी स्क्रीनर को डॉट इन को हम ओपन कर लेते हैं, स्क्रीनर डॉट इन पर वहां पर समझते देखते हैं हैं इसका फ्रेंड, चार्ट स्क्रीनर मोमेंटम डॉट इन क्या ओपन बता कर रहा लेते है, हैं, वहां पर देखते हैं इसका चार्ट मैं पैटर्न क्या क्या बता रहा बता हूँ, रहा है। देखो मैं मैरिको यहाँ पर लिमिटेड, मैरिको, चलिए आ गया फ्रेंड, मैरिको यहाँ लिमिटेड, पर देख लीजिए चलिए आ गया वहां फ्रेंड कितना दिखा रहा है, मैरिको पचासी लिमिटेड, हजार करोड़ यहाँ दिखा पर रहा है, देख लीजिए यहाँ कितना फ्रेंड, दिखा रहा वहाँ है, कितना दिखा रहा है? छियासी हजार 87,000 करोड़, करोड़ दिखा रहा है, यहाँ पे करंट कितना प्राइस दिखा छह रहा सौ है? इकहत्तर छियासी का हजार करंट प्राइस करोड़ करेंट प्राइस 671 का है फ्रेंड, इकहत्तर का करंट प्राइस है फ्रेंड, और मार्केट छः बावन सौ वीक हाई इकहत्तर बनाया का है करेंट चौरानवे प्राइस है करोड़ फ्रेंड, का, और और लो मार्केट बनाया 52 वीक चार हाई सौ बनाया छियासी 691 करोड़ का, सॉरी चार और सौ लो बनाया छियासी 486 करोड़ का, ए सॉरी स्टॉक पी देख 400 लीजिए फ्रेंड छियासी रुपये उनसठ का दशमलव एक का, स्टॉक अड़सठ भी देख लीजिए फ्रेंड, छियासठ 59.1 चौदह का, पाँच
और इंडस्ट्री पी कितना है 21.5 का, ओवर वैल्यूड हो चुका फ्रेंड, मतलब डबल ये पी चढ़ गया, ये इंडस्ट्री जो पी है ना उससे डबल हो गया फ्रेंड। बुक वैल्यू 29 का है फ्रेंड, डिविडेंड 1.40% का है, डेट 528 करोड़ का कर्ज है कंपनी के पास फ्रेंड। इक्विटी ईपीएस अर्निंग पर शेयर 11.4% का है फ्रेंड, अर्निंग पर शेयर एक शेयर में 11 रुपए कमा के देता है फ्रेंड, 11.40 रुपए। रिटर्न ऑफ इक्विटी 38 का है फ्रेंड, सेल्स ग्रोथ -1.14% का है फ्रेंड, सेल्स ग्रोथ 5 साल का 5.65% का है फ्रेंड, डेट कंपनी के पास 0.14% का, कर्जा ना के बराबर है फ्रेंड। ओपीएम देख लीजिए, जबरदस्त क्राइटेरिया है फ्रेंड, 21 का है ओपीएम, इक्विटी शेयर 129 लाख का है फ्रेंड, शेयर बहुत कम है कंपनी के पास 129। चलिए आगे का पैरामीटर देखते हैं फ्रेंड, इसका सबसे पहले हम पी रेशियो देख लेते हैं फ्रेंड, 5 साल का एवरेज क्या निकल के आता है। 5 साल का मैंने पी लगा दिया, देख लीजिए 51 का पी दिखा रहा है 5 साल का, और अभी करेंट में क्या चल रहा है फ्रेंड, 59% 59 का, और 10 साल का एवरेज देखते हैं फ्रेंड, 10 साल में क्या दिखा रहा है, 10 साल में 48%, और मैक्सिमम देखते हैं मैक्सिमम 39, मतलब अपने एवरेज के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है फ्रेंड। चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रोस कंपनी हैज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी आर ओ ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर्स आर ओ 37.2% का है फ्रेंड्स। एडिबल ऑयल मैरिको एडिबल ऑयल है फ्रेंड, यहाँ क्वार्टर का रिजल्ट देख लीजिए फ्रेंड, क्वार्टर का रिजल्ट हमें डाउन देखने को मिला फ्रेंड, यहाँ दिसंबर 2023 में 2400 करोड़ का था जो घटकर 2200 करोड़ हो गया, डाउन देखने को मिला फ्रेंड, इसीलिए इसको क्वार्टर का रिजल्ट डाउन आने के कारण मार्केट थोड़ा डाउन हो चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यहाँ थोड़ा बढ़ोतरी हुआ फ्रेंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, लेकिन सीजीआर कंपाउंडेड ग्रोथ देख लीजिए, देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी अच्छा मेंटेन करके रखा है फ्रेंड, 37% का रिटर्न ऑफ इक्विटी है। इसका बैलेंस शीट यहाँ पे देखो फ्रेंड, 64 करोड़ का था 2013 में, जो बढ़कर कितना हो गया 129 करोड़ का, और रिवेन्यू देख लीजिए कितना हुआ, रिवेन्यू 3703 करोड़ का, और कर्जा 528 करोड़ का, इनमें इन्वेस्टमेंट 602 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है फ्रेंड। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर देखते हैं, प्रमोटर होल्डिंग 59.28% का प्रमोटर के पास होल्डिंग स्टैक्स है। एफआईएस देख लीजिए जबरदस्त है फ्रेंड, 24.61% का एफआईएस के पास शेयर होल्ड है, और डीआईएस के पास 11.10% का, गवर्नमेंट के पास 0.10% का फ्रेंड, पब्लिक के पास 4.80% का, और अदर के पास 0.11% का। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 2,99,154 का है फ्रेंड। अगर इसका आप बेसिक पढ़ना चाहते हैं फ्रेंड, एनुअल रिपोर्ट 2024 का बीएससी के वेबसाइट पर आप जाकर अब यहां पर से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं फ्रेंड, जबरदस्त तेजी है। अब अपने 52वीं हाई को जो बनाया था ना फ्रेंड, ये 691 का, इसको ब्रेक करेगा फिर, इसको तोड़ के आगे निकलेगा देखिए, क्योंकि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है फ्रेंड, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के साथ जब भी मार्केट ओपन होता है तो मार्केट में अच्छा खासा बाउंस देखने को मिलता है, ये 700 भी क्रॉस कर जाएगा लगता है फ्रेंड, नेक्स्ट डे 700 भी क्रॉस कर जाएगा, ये जबरदस्त है फ्रेंड। इसका सेल्स भी अच्छा है इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में ना, सेल्स भी जबरदस्त है, इसका पीयर कंपैरिजन तो देख लीजिए, कंपैरिजन कौन कौन सा, पतंजलि फूड, अडानी बिल्मर, गुजरात अंबुजा एक्सपोज, गुरुकुल एग्रो, बीसीएल इंडस्ट्रीज, कृति न्यूट्रेंट, ये सब इसका कंपटीशन है मार्केट में, ये सिर्फ ये कोई इन्वेस्टिंग करने का राय नहीं है फ्रेंड, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए इस वीडियो को बनाया गया है, इसमें मेरा कोई बाय और सेल रिकमेंड नहीं है फ्रेंड, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड।
सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के साथ इस वीडियो को बना रहे हैं फ्रेंड। अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगी ना फ्रेंड, तभी एक लाइक करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।